29 December 2023 हाईटेक हॉस्पिटल भुवनेश्वर संध्या समय रे तृतीय महला उपरे हेला प्रचंड विस्फोरण धुआंमय होई उठिला परिवेश जणा पड़िला एसी सजाड़ीबा समय रे विस्फोरण घटिला आउ एथिरे पांच जण आहत होइथिले सेमानंक मध्यनु चारि जणंक अवस्था थिला संकटापन्न एमाने थिले एसी मेंटेनेंस पाई हॉस्पिटल कर्तृपक्ष निजुक्त करितिबा एजेंसी रो कर्मचारी एमानंकु चिन्हट करितिले एजेंसी रो अन्य कर्मचारी संभवतः एठी रही जाइथिला त्रुटि आरंभ होइथिला द्वंद्व विस्फोरण रे आहत होई आईसीयू रे चिकित्सित हेउथिले दिलीप सामंतराय श्रीतम साहू ज्योतिरंजन मल्लिक ओ सीमांचल विश्वाल 30 December 2023 कुहागला चिकित्साधीन अवस्था रे दिलीप सामंतरायंकर मृत्यु होईछि पुलिस उपस्थिति रे परिवार को शव हस्तांतर हेला खोर्धा जिला हरिराजपुर बंग गाँव में अंतिम संस्कार हेबा परे अंत्येष्टि क्रिया पाई प्रस्तुति आरंभ कले परिवार एपटे स्वामी मृत्यु खबर पाइबा परे दुखरे संपूर्ण भांगी पड़ी दिलीप को स्त्री सौम्याश्री सामंतराय दुख संभाली न पारी आत्महत्या करी जीवन हारिदेले सौम्याश्री पुओ बोहुंकर अकाल वियोग केवल परिवार पाई नुहे पूरा अंचल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि करितला एपटे गत 3 तारीख रे चिकित्साधीन अवस्था रे अन्यतम आहत सीतम साहूंकर मृत्यु होइतला आउ वेंटिलेटर रे चिकित्सित हेउतिले ज्योतिरंजन मल्लिक ओ सीमांचल विश्वाल 4 January 2024 कहानी रे आसिला सांघातिक ट्विस्ट वेंटिलेटर रो बाहरिले ज्योतिरंजन मल्लिक चिकित्सा करथुबा डाक्टरी टीम जेतेबेले तांको सह कथा हेले सेमानंकर मुंड घुरीगला कारण निजकु से दिलीप सामंतराय बोली कहितिले हाईटेक हॉस्पिटल रो मानसिक रोग विभाग रो मुख्य डाक्टर अमृत पाटजोशी तांकु तुहाकु तुहा प्रश्न करबा परे पाखापाखी एकमत होइथिले से ज्योतिरंजन मल्लिक नुहंती से हेउचंती दिलीप सामंतराय जे बंची थिले भी तांकर अंतिम संस्कार होई जाइछि जहांक पत्नी स्वामी को अकाल मृत्युर दुख सही न पारी आत्महत्या कर दशाह गंगा कार्ड छपा सरी गोटे फैमिली ओनरशिप कहे कि यहाँ मो पु दी फैमिली दी जन को एक्सेप्ट कर दे काली बहटा केतले जो तो दिलीप सामंतराय कहले कि मुझ दिलीप सामंतराय बोल कि ज्योति मल्लिक कहले कि मुझ दिलीप सामंतराय अच्छी आमको जमी मिलला आम सागे सागे मुझे आसली देन वी पुट टू बोथ दि फैमिली देखो आम कौट लुचा को चेस्ट करनी जिनस इट इज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्सियल थिंग इट्स अ वेरी सैड थिंग जोटा है कि आम ये सब ठीक से रखीचु आम डाकिल उभय फैमिली को उभय फैमिली सांग उभय फैमिली एक्सेप्ट करन रेकर्ड कि भूल कर मो पु को देखे ना मुझ जन्म करती मो पु को मो पु जितना नासा आसला मो पु बोली कहले नासा आणले मुझे मुझे गाड़ी बसबी मो पु को मो कोले रे धरबी मो कोले रे धरिक मुझी जाइले मुझे ना ना मत अलग गाड़ी में छाड़देले मो से गाड़ी में मत बसइले मो पु को मुझे जी बस था मो पु को चिन्ह था बंची थाउ थाउ दिलीप कर अंतिम संस्कार स्वामी को फेराई देवा गुहारी कले ज्योतिरंजन स्त्री दुख केमिति आसे केमिति मुहूर्तक मध्यरे सबु किछि ओलटपालट होई जाए ताहा देखिबा को मिलिछि एही हृदय विदारक घटना रे काली पर्यंत जे स्वामीक फेरिबा बाटकु चाहि बसिथिले आज एपरि खबर को सहजरे ग्रहण करि पारु नहंती ज्योतिरंजन क स्त्री ओ तांको परिवार वेंटिलेटर रु सुस्थ होई घर को फेरिबे बोली 8 दिन हेला से माने आईसीयू द्वार मुहरु हटु नथिले आज जहाँ जानिबा को मिलिला ताकु से माने विश्वास करी पारु नहंती एपटे ज्योतिरंजन को मृतदेह नी अंत्येष्टि क्रिया करिवार भाग्य मध्य से मानंकर नाही कारण दिलीप सामंतराय कर मृतदेह भावी पूर्वरु ज्योतिरंजन कर जुई जळी सारीतिबा संदेह करा जाउछि ससुर जे कहले कि मु तांको पादुरु चिनिली बोली पुणी एबे कहजन चिनी बोली से तांको भी कहले भी से होजन ज्योतिरंजन बोली किंतु से एबे निजे को कहजन दिलीप भी बोली ज्योतिरंजन बोली साले मो स्वामी कोड़े गले बोल दीपू नाना दिलीप मु तार सब गोड़ रे गोड़ कोला चिन्ह देला एबे साइलेंस पड़ी जायतला मु ताकु देखली त गोड़ फोड़ काढ़ी की जो भेड़ा देला सार खोलले मु देखली से चिन्ह नाही आखिरे गोटे कला जाता से पोड़ जाता चिन्ह न था
ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଇଟା ନାଗ ଖୋଲିଲୁ, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଆମ ପୁଅ ନୁହଁ। ଘଟଣା ଉପରୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ହଟି ଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମୃତ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଯାଏ ଦୂର ହୋଇନି। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରି ପୁରା ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଓ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା? ଦିଲୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? ପିପିଲିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରମେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଓ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା ଓ ଅନୁଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ଦି ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।